हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि Redmi Note 5 नहीं आएगा क्योंकि Redmi Note 5 को Redmi 5 Plus से रिप्लेस कर दिया है। ये लीक भी Xiaomi के फोरम पर्सन से ही आई थी, लेकिन गुड न्यूज ये है कि Xiaomi के सबसे पॉपुलर सीरीज नोट का Redmi Note 5 आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ Redmi Note 5 के बारे में। कुछ दिन पहले आई खबर कि पिछले साल आए Redmi Note 4 के अपग्रेड वेरिएंट Redmi Note 5 पर कंपनी काम कर रही है और Redmi Note 5 को 2018 की दूसरी तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है। Xiaomi के इस स्मार्टफोन में Qualcomm का आने वाला Snapdragon 632 प्रोसेसर दिया जाएगा। रिपोर्ट से पता चलता है कि Xiaomi Redmi Note 5 की टेस्टिंग की जा रही है और कंपनी इस फोन को 2018 के सेकेंड क्वार्टर में लॉन्च करेगी। कंपनी की इस हैंडसेट के लॉन्च में देरी हो रही है क्योंकि Xiaomi Qualcomm द्वारा अपने लेटेस्ट Snapdragon 632 प्रोसेसर की घोषणा का इंतजार कर रही है। आने वाला प्रोसेसर कंपनी के मौजूदा Snapdragon 636 चिपसेट का कमजोर और अंडरलॉक वेरिएंट है। हालांकि Snapdragon 632 में Qualcomm Spectra 160 ISP मॉडल है जिसे डुअल कैमरा सेटअप के लिए बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। Xiaomi Redmi Note 5 के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 5 Android 7.1 Nougat based MIUI 9 पर चलेगा। फोन में एक 5.9 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले होगा जो कि 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला होगा। आने वाले स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon का 632 प्रोसेसर होगा और इसमें 3GB रैम के साथ 32GB स्टोरेज और 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज दो वेरिएंट में आएगा। कैमरे की बात करें तो स्मार्टफोन के रियर में एक डुअल कैमरा सेटअप दिया जाएगा। इससे पहले आई खबरों में पता चला था कि फोन में एक 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा। Redmi Note 5 में इसके साथ ही एक 4000 mAh की बैटरी भी दी जाएगी। लीक और खबरों से पता चलता है कि Redmi Note 5 की कीमत पिछले Redmi Note 4 से ज़्यादा होगी। डिवाइस के बेस वेरियंट की कीमत 1599 yuan तकरीबन 15,700 रुपये होने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।